राज्य सरकार बार बार हर मंच पे कहती है कि हम गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। हमें भी लगा था कि अशोक जी गहलोत साहब जो माननीय मुख्यमंत्री है गांधीवाद को मानते होंगे। मैंने 15 महीने पहले गांधीवादी तरीके से आंदोलन शुरू किया, लेकिन मेरे गांधीवादी आंदोलन पर जब मैं पैदल मार्च के रूप में अजमेर से जयपुर चल गया तो लाठी चार्ज किया गया। आज हम यहाँ 20-25 दिन से पीछे बैठे हैं, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और आज राज्य सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च को याद करते हुए शांति मार्च की घोषणा की है जो 15 अगस्त तक चलेगा। हमने उसी की जो उनका दौरा रवैया है दोगलापन है उसको उजागर करने के लिए हमने भी प्रण लिए कि हम आज से दांडी मार्च राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को प्रण लेते हुए करते हैं। 15 जनवरी के बाद कोई भी आदेश राज्य सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए जारी किया हो, हमारे दोनों तरफ स्थानांतरण किए गए हो, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हो या हमारे दमन के ऊपर दमनात्मक कोई कार्रवाई की गई हो, उन सभी आदेशों की हम अवहेलना करते हैं। और आज ये आदेश सुनाए गए हैं और भविष्य में भी कोई आदेश जारी किया जाएगा तो राजस्थान पटवार संघ उनको आंदोलन को कुचलने के लिए किसी प्रकार के स्थानांतरण और आदेश जारी किए जाएंगे उनका राजस्थान का कोई भी पटवारी नहीं मानेगा। हम आज से सभी ने क्या आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं कि हम सरकारी आदेशों के लिए हमारी डिमांड ये है कि हमारी ग्रेड पे 3600 की जाए और सिलेक्शन स्केल में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतन मान दिया जाए और हमारे पूर्व में सभी समझौतों और विज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। ये तीन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार गुमराह कर रही है। आज विधानसभा में भी माननीय मंत्री जी ने माननीय सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने पटवार संघ की कई मांगों को मान ली है, हमारा 3 सूत्री मांग पत्र है तो आपने कौन सी मांग मानी? आज तक मंत्री जी ने हमारे से कोई बात नहीं की है। मंत्री जी लोकतंत्र के पैरी विधानसभा में बैठ करके भी झूठ बोल रहे हैं जो लोकतंत्र का अपमान है, गांधीवादी विचारधारा का अपमान। एक परसेंट भी नहीं करेंगे राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी, उन्होंने शिक्षकों के नाम आदेश निकाले, गिरदावरों के नाम आदेश निकाले, कोई भी काम नहीं करेगा, बार बार निकाल रहे आदेशों के, इनके आदेशों को कोई नहीं मानने वाला है। राजस्थान का कोई भी कर्मचारी पटवारी का काम नहीं करेगा, न कोई कर्मचारी न अधिकारी। अब की बार हम सरकार से आर पार की लड़ेंगे।